इंदौर में अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन, टेक्निकल ब्लॉक और कम्युनिकेशन बिल्डिंग का भूमि पूजन सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। बता दें अगले कई सालों के हिसाब से एयरपोर्ट अपग्रेड होगा, साथ ही एयरपोर्ट पर 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। बता दें से एयरपोर्ट पर बड़े विमानों को फायर सेफ्टी मिल पाएगी। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बता दें, और इसी के साथ एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन, टेक्निकल एवं कम्युनिकेशन बिल्डिंग बनने जा रही है। वर्तमान ATC टावर काफी पुराना हो गया है, ऐसे में इसे अपग्रेड करना जरूरी था। नया बनने वाला ATC अत्याधुनिक रडार एवं तकनीक से युक्त होगा। बता दें वर्तमान में एयरपोर्ट से हर घंटे 12 फ्लाइट लैंड एवं टेक ऑफ कर सकती हैं। वहीं नए ATC टावर बनने से क्षमता 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी, साथ ही समय के साथ इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। एयरपोर्ट की आने वाले कई सालों की जरूरतों को देखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। देखिए, एयरपोर्ट पर लगातार जिस प्रकार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए तकनीकी रूप से भी उसको सक्षम करना है। तो आज 3 विशेष क्षेत्रों में इसका शुभारंभ किया गया, भूमि पूजन किया गया। पहला तो ATC, हमारा जो ATC है वो ATC बहुत ही वर्षों पुराना है और उसकी क्षमता भी कम है, हाइट कम है, क्षमता कम है। तो तकनीकी रूप से जो अभी वर्तमान में आने वाले समय में और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट चलेगी तो ATC हाइट पे ज़्यादा चाहिए और उसमें फंक्शनिंग भी ज़्यादा हो, उसको लेके पुराने ATC की जगह नया ATC डबल हाइट का बनाया जा रहा है और उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, दूर से एयरक्राफ्ट को जानकारी मिल पाएगी। दूसरा है फायर स्टेशन। जिस प्रकार के नए नए फायर स्टेशन बन रहे हैं देश और विदेश में, हमारे भी आवश्यकता है। एयरपोर्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो नया फायर स्टेशन इक्विपमेंट के साथ होना चाहिए, उसको लेके भी आज भूमि पूजन हुआ बिल्डिंग का। और तीसरा है टेक्निकल ब्लॉक। अभी टेक्निकल ब्लॉक हमारे यहाँ पुराने हैं तो वर्तमान में जो अब नई तकनीकी आई है उसको सब ध्यान में रखते हुए टेक्निकल ब्लॉक भी हम बना रहे हैं। तो ये तीनों अति आवश्यक है आने वाले समय में, जो 50 साल में हम कहते हैं कि जो एयरपोर्ट पर आवश्यकता होगी उसके लिए ये पूरा होगा। और लगभग 100 करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ है और मुझे लगता है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय हमारे इस विभाग के जो मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी को उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी हम इंदौर के लिए कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है।